तो टू एक एडवर्ब है, सेंटेंस में जब एडवर्ब दिया होता है टू, तो किस तरह से टू को हटाते हैं और टू के स्थान पर हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एडवर्ब टू और व्हाट इज रिमूव टू। तो लिखा है रिमूव टू, रिमूव मीन्स होता है हटाना, रिमूव मीन्स हटाना और टू टू के लिए हटाना। सेंटेंस में जिस तरह से टू दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में टू को हटाते हैं और टू के स्थान पर जो भी लगता है उसे लगाते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से हम टू को हटाते हैं और टू के स्थान पर कौन से वर्ड का यूज करते हैं। तो इसकी बात करें टू की, तो टू है क्या, टू एक एडवर्ब है, टू है एक एडवर्ब। और एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है ये एडवर्ब टू। और ये विशेषता किसकी बताता है, ये विशेषता बहुत वर्ड्स की बताता है, जैसे कि जो एडवर्ब है आपका ये विशेषता बताएगा एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव के अलावा खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। इसके अलावा जो ये क्वालिफाई करता है वो एक वर्ब के लिए, कंजंक्शन के लिए, प्रीपोजिशन के लिए और कभी कभी पूरे सेंटेंस के लिए। तो हम कह सकते हैं जो सेंटेंस में एडवर्ब दिया होता है वो एडवर्ब, जिसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और सेंटेंस, इन सब की विशेषता बता सकता है। और जो वर्ड एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, इनकी सबकी या एक एक या किसी की भी विशेषता बताता है उस वर्ड के लिए हम बोलते हैं एडवर्ब। अब हमें क्या करना है, जो एडवर्ब दिया हुआ है सेंटेंस में, जैसा कि लिखा है रिमूव टू, हमें सेंटेंस में से टू को हटाना है। अब थोड़ा ये डिस्कस करें टू है क्या, टू है एक एडवर्ब और इसकी हिंदी होती है वो होती है, एक तो बोलते हैं इसे भी, एक मतलब होता है इसका भी मतलब अधिक, मतलब सॉरी भी, और सेकेंड होता है अधिक, दो मतलब होते हैं इसके, भी और अधिक। जिस तरह से अगर बात करें हम, एक टू ये वाला होता है टू, जो कि एक प्रीपोजिशन भी है और इसके अलावा ये तो है प्लस यही टू एक इन्फिनिटिव भी है, इन्फिनिटिव। और जब ये इन्फिनिटिव होता है तो ये काम करता है एक वर्ब का, जैसे यहां लिखा हुआ है गो, गो मीन्स जाना, तो कोई वर्ब लिखी हुई है गो, उसके पहले अगर हम यूज करते हैं टू का, मतलब टू और प्लस बी वन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव टू। इस तरह से इन मतलब टू जो है वो एक प्रीपोजिशन भी है और यही टू एक इन्फिनिटिव भी है। किस तरह से है, अगर हम सेंटेंस के लिए लिखें ही गोज टू स्कूल टू स्टडी एसटडी, ये है लिखा हुआ एक सेंटेंस है। ही की बात करें एक सब्जेक्ट है और गोज बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही एस है। जो टू लिखा हुआ है ये है प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, ये वाला टू ये है इन्फिनिटिव। क्यों, क्योंकि जब इस टू का यूज करते हैं किसी वर्ब के पहले तो वो कहलाता है इन्फिनिटिव, जिसे बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। और जब इसका यूज करते हैं किसी प्लेस के पहले या कोई डायरेक्शन के पहले और भी जहां भी इसका यूज करते हैं प्रीपोजिशन का, तो वहां कहलाता है ये प्रीपोजिशन। जैसे कि सेंटेंस देखा हुआ है टू अब भी है और टू ये भी है, तो यहाँ पर ये क्या है प्रीपोजिशन और यहाँ पर क्या है ये इन्फिनिटिव, ये तो इसका थोड़ा डिफरेंस हो गया। और अभी हम जो क्या देखेंगे टू, तो टू जो होता है एक तो मतलब होता है इसका भी, टू मीन्स टू का मतलब होता है भी और इसी टू का मतलब होता है अधिक, अधिक अधिक का मतलब आवश्यकता से अधिक, कोई चीज है वो आवश्यकता से अधिक है। और जैसे कि लिख दिया टू पुअर, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, टू पुअर की आवश्यकता से अधिक गरीब है। और सबसे मेन बात इसकी क्या होती है, हम इसका यूज करते हैं बैड क्वालिटी के लिए, तो बैड क्वालिटी के लिए यूज करते हैं रिमूव मतलब टू का। तो जिस तरह से लिखा हुआ है, जैसे हम यहां लिखते हैं ही इज टू
टू पुअर, इसका मतलब हुआ कि वह जो है कोई व्यक्ति है, वह गरीब है। अब लिखा है टू पुअर तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति है वो हद से ज्यादा गरीब है, जितना गरीब उसे नहीं होना चाहिए। और अगर लिख दें ही इज टू रिच तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। अभी रॉन्ग क्यों हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है जब टू का हम यूज करते हैं तो इसका यूज करते हैं बैड क्वालिटी के लिए, जहां पर कोई क्वालिटी बैड होगी वहां यूज करते हैं टू का। लेकिन यहाँ पर जो रिच क्वालिटी है, रिच क्वालिटी है अच्छी, जैसे कि हद से ज्यादा अमीर होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात क्या है हद से ज्यादा गरीब होना। तो जिस तरह से लिखा हुआ है ही इज टू रिच, वह हद से ज्यादा अमीर है, तो ये तो क्वालिटी अच्छी हो गई। और अच्छी क्वालिटी के लिए टू का यूज करते नहीं है, किसका यूज करते हैं वेरी का लगा सकते हैं, मतलब जो क्वालिटी है जैसे कि गुड क्वालिटी हो या हो बैड क्वालिटी, इन दोनों में से कोई सी भी अगर सेंटेंस में क्वालिटी दी हुई है तो हम यूज कर सकते हैं बेरी का। बेरी का यूज दोनों में कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी हो या क्वालिटी बुरी हो। और लेकिन जब हम यूज करते हैं टू का तो टू का यूज हम तभी करते हैं जब क्वालिटी है बैड, जैसे टू पुअर ठीक है, बेरी पुअर तो आ ही जाएगा, टू पुअर है, टू सैड है, टू स्टूपिड है, टू फूल है, जो क्वालिटी बैड है वहां यूज कर सकते हैं टू का, और क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो उनके लिए भी यूज करते हैं बेरी का। तो बेरी का यूज दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन टू का यूज कहाँ करेंगे, केवल बैड क्वालिटी के लिए। तो ये तो थोड़ा इसका डिफरेंस हो गया। तो हमें क्या याद रखना है कि टू का जो मतलब होता है वो टू का मतलब होता है अधिक। जिस सेंटेंस में इसे हम डिस्कस करेंगे रिमूव टू, जो हम पढ़ेंगे रिमूव टू, उसमें हमें केवल ये देखना है कि टू का मतलब होता है अधिक, और अधिक कैसा, आवश्यकता से अधिक, हद से ज्यादा अधिक, जितना नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हम जब टू को हटाते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं निगेटिव। तो ये है, अब हम देखते हैं आगे। अब ये देखें एग्जाम में सेंटेंस को किस तरह से पूछा जाता है। तो सेंटेंस है, पहले अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले तो आएगा इसमें सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा टू बी, टू बी मतलब इज आर एम वाजवर, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव, ये हो जाएगा। और प्लस फिर से आएगा सब्जेक्ट, प्लस या तो आएगा कैन या आएगा कुड, प्लस नॉट, प्लस बीवन और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर। किस तरह से कि पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा टू बी, टू बी हम कह सकते हैं इज आ रहे हैं बाजवर, उसके बाद आएगा सो एडजेक्टिव, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट पहले होगा उसी का यूज करेंगे बाद में, फिर या तो आएगा कैन नॉट या आएगा कुड नॉट, फिर डीवन, फिर ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब है अमर इज टू पुअर टू बाय अ कार, ये है आपका एग्जांपल। क्या है कि अमर जो है टू इज टू पुअर, इतना गरीब है, ये इसके लिए आया, इसे मॉडिफाई करेगा कि अमर इतना गरीब है क्यों, टू वाई अ कार, एक कार को खरीदने के लिए। अगर कोई वर्ब है उस वर्ब के पहले टू लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं खरीदना। वैसे भी अगर कोई वर्ब है सेंटेंस को कहीं भी एक्स वाई जेड कोई वर्ब लिखी हुई है उस वर्ब के पहले टू लगा हुआ है तो उसका मतलब यह है इंफिनिटिव, और उसकी हिंदी होगी ना नी ने। किस तरह से कि अमर इज टू पुअर टू बाय अ कार, अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो जहां भी हम यहां पर पहुंचेंगे तो हम बोलना पड़ेगा खरीदना, कि अमर एक कार खरीदने, ना नीने की आवाज आती है, तो अमर एक कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है, मतलब हद से ज्यादा गरीब है, ये होगा। तो अगर इसे देखें तो सबसे पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट जो कि है अमर, ये आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, टू बी मतलब इज आर एम बाजवर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इज, तो इस तो आ गया ऐसा ही अमर इज, उसके बाद आएगा सो, या हम कह सकते हैं जो टू लिखा हुआ है उसके स्थान पर करते हैं यूज
सो, और ये पुअर ऐसे ही आ गया एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आएगा दैट, यहां दैट रह गया स्ट्रक्चर में, फिर आएगा दैट, तो आ गया दैट। उसके बाद सब्जेक्ट वही आ गया शुरू में है, तो नाम है यहां पे, ये क्या है, ये एक नाउन। और सेंटेंस में नाउन का यूज हम डबल करते नहीं है, नाउन के स्थान पे यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का। आखिर प्रोनाउन को यूज करते क्यों है, तो प्रोनाउन को यूज करते हैं सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। सेंटेंस में नाम को बार बार ना लिखा जाए, इसलिए हम उसके स्थान पे यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो यहां पर नाउन तो नहीं आएगा, उसके लिए यूज कर सकते हैं प्रोनाउन। क्या आ गया ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर इज या टू बी हो गया, सो पुअर दैट सब्जेक्ट फिर से आ गया, फिर आएगा या तो कैन नॉट या कुड नॉट। सेंटेंस सबको पता है ये, कि अगर प्रेजेंट में है तो आता है कैन, और पास्ट में तो आता है कुड, यहाँ लिखा हुआ है इज, तो ये प्रेजेंट में है तो हम क्या यूज करेंगे कैन, नॉट तो आएगा ही, क्या हो जाएगा अमर इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट। क्या रह गया वी वन, वो क्या है वाई आकार, ये हो गया ऊपर वाला सेंटेंस था कि अमर इज टू पुअर टू बाय अकार। जैसा कि आपको बताया अभी, टू का यूज करते हैं हम हद से ज्यादा कोई चीज होती है तब, तो ये कहना चाह रहा है कि अमर एक कार खरीदने के लिए हद से ज्यादा गरीब है। जब हद से ज्यादा गरीब है तो इसका मतलब ये हुआ कि अमर जो है एक कार नहीं खरीद सकता। तो है कि अमर इज सो पुअर दैट इट कैन नॉट बाय अ कार। अब इसका अर्थ क्या होगा कि अमर इतना गरीब है कि एक कार नहीं खरीद सकता। तो जिस तरह से वह हद से ज्यादा गरीब है तो कार नहीं खरीद सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हद से ज्यादा गरीब होगा तो वह कार कैसे खरीद लेगा। और जब इस तरह से ये शो करता है कि हद से ज्यादा गरीब है, तो हद से ज्यादा गरीब होगा तो कार तो खरीदेगा नहीं। इस तरह से ये सेंटेंस जो होते हैं सेंटेंस बनते हैं नेगेटिव। क्या मतलब हुआ कि अमर इतना गरीब है कार नहीं खरीद सकता, सेंटेंस बनेगा नेगेटिव। तो इस तरह से ये सेंटेंस दो प्रकार से हो सकता है, या तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कीजिए इसका रिमूव टू, क्या मतलब हुआ कि सेंटेंस में से टू को हटाइए तो टू हट जाएगा, यहां से टू भी हट गया। और प्लस ये भी हो सकता है कि इसे चेंज करें आप नेगेटिव सेंटेंस में, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसे नेगेटिव में चेंज करें, तो ये नेगेटिव बन गया नॉट आ गया। और एग्जाम्पल अगर देखें तो है आशा बाज टू स्टूपिड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ कि आशा बाज टू स्टूपिड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आशा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ज्यादा स्टूपिड है। तो बात करें, ये तो एक सब्जेक्ट है जिसे कह सकते हैं नाउन है। हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव इन्फिनिटिव बीवन एडजेक्टिव और नाउन, वैसे भी दिस दैट दीज दोज ये सब क्या एडजेक्टिव, जब ये नाउन के पहले यूज होते हैं। तो आशा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत गरीब बहुत स्टूपिड है। तो इसे बनाए तो पहले तो आएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा पहले तो आ जाएगा आशा, आशा के बाद फिर क्या आएगा टू बी, तो क्या है बाज, आशा बाज, उसके बाद सो, आशा बाज सो एडजेक्टिव क्या है स्टूपिड, आशा बाज सो स्टूपिड, उसके बाद दैट, दैट के बाद फिर से वही सब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्ट आपका शुरू में दिया होगा। तो शुरू में क्या दिया है आशा, और आशा एक नाउन है, नाउन को दोबारा लिखते नहीं है, नाउन का बार बार यूज ना किया जाए इसलिए उसके स्थान पर यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो लड़की है, इसके लिए प्रोनाउन आएगा सी। अब देखें यहाँ पे, या तो आएगा कैन नॉट या आएगा कुड नॉट, ये आता है यहाँ देख सकते हैं इज आर एम, अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो प्रेजेंट में हो तो क्या आता है कैन, अगर सेंटेंस में है वाज या वर, अगर इनमें से कुछ भी है तो क्या आता है कुड, तो ये वाज है यहाँ पे, तो क्या आएगा कुड, और नॉट तो आएगा ही कुड नॉट। बीवन क्या है सॉल्व दिस प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन, ये है। क्या मतलब हुआ कि आशा वाज सो स्टूपिड दैट सी कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वाले सेंटेंस का मतलब ये था कि आशा इस क्वेश्चन को
हल करने के लिए अधिक स्टूपिड थी। अब मतलब हुआ कि आशा इतनी स्टूपिड थी कि इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकती। और अगर इसकी थोड़ी चेंजिंग करें तो एक सेंटेंस को और लिखा जाए, कह सकते हैं दिस टी वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक इट। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें और उसमें अंतर क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, ये फिर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में, टू ड्रिंक ये इन्फिनिटिव है, एक प्रोनाउन है। तो इसमें क्या है, इन दोनों एक सेंटेंस ये था और एक सेंटेंस ये था, इन दोनों में क्या था कि जो अमर था, अमर जो है इतना गरीब है कार नहीं खरीद सकता, जो सेकंड वाला वर्क होगा काम किया जाएगा उसमें ही माना जाएगा सब्जेक्ट वही अमर यानी ही। अब ये वाला था आशा, तो यहाँ पे लड़की है आशा है और आशा है यही मानी जाएगी यहाँ पे इस वाले में। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने एक सब्जेक्ट तो यहाँ दिया लेकिन एक दे दिया एक्स्ट्रा फॉर मी। तो हम क्या करते हैं, पहले तो वैसे ही बनाते हैं कि दिस टी वाज, इसके स्थान पर क्या आएगा सो, तो दिस टी वाज सो, या कह सकते हैं इतना सेंटेंस जो है फॉर से या एडजेक्टिव तक लिख देते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ एडजेक्टिव यहां तक ऐसे उतार दिया, केवल इसका चेंज किया है हॉट। देख सकते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ है ये वाला, ये देख लेते हैं ये सेंटेंस पूरा यहां से ये वाला ऐसे उतार दिया, ये कोई चेंज तो की नहीं है इसमें, आशा ऐसे लिख दिया, वाज ऐसे लिख दिया, केवल इतना कर दिया टू का सो बात फिर ऐसा ही, ऐसे दृष्टि ऐसे ही आ गया, वाज इसके स्थान पर सो हॉट, उसके बाद क्या आएगा दैट। इस वाले रूल में हम करते क्या है, जो फॉर मी दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है For me, तो हम इसका सब्जेक्ट कर देंगे I। अगर दिया होता for us, तो इसका सब्जेक्ट कर देते we। अगर दिया होता कह सकते हैं for one, ये दिया होता for one, तो इसका सब्जेक्ट हो जाता one। इस तरह से इसे हम चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा दृष्टि बाज सो Hot that। अब यहाँ पर जो है हम जो सब्जेक्ट वो यूज करते हैं, जैसे ये वाला था आशा था, फिर से लगा दिया आशा, आशा के लिए सी, यहाँ पर सब्जेक्ट था अमर तो फिर से अमर न लिख कर क्या लिख दिया उसके लिए ही, लेकिन इसमें क्या दृष्टि तो है ये ऐसे लिख दिया, लेकिन जो ये फॉर्म में इसी का हम बना देते हैं सब्जेक्ट आई, और यहाँ बाज है तो क्या आएगा कुड कुड नॉट ड्रिंक इट, ये इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या था एडवर्ब टू, जो अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, और एडवर्ब होता क्या है, और इसके स्थान पे यूज करते तो क्या लगाते हैं, और किस तरह से सेंटेंस एफर्मेटिव दिया होता है और रिमूव टू जब करते हैं टू को हटाते हैं सेंटेंस बनता है नेगेटिव। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि टू क्या होता है। अभी रूल हमारा पूरा नहीं हो पाया है, अभी यही रूल जो हमने ये वाला रूल पढ़ा है जो कि सेंटेंस में दिया होता है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं फॉर मी फॉर यू फॉर देम फॉर अस, ये कुछ भी दिया हो, फॉर मी होगा तो हो जाएगा आई, फॉर यू होगा तो हो जाएगा यू, फॉर देम होगा तो हो जाएगा दे, फॉर अस होगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे किस तरह से हम इसे यूज करते हैं और कैसे अगर सेंटेंस फॉर यू दिया तो इसका यू हो जाएगा। अभी हमारा एडवर्ब का पार्ट वन है ये, इसके बाद में पूरा इसे फिनिश करेंगे सेकंड वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।